गुड मॉर्निंग, आई एम फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास वन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 12। आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे इन मैथ्स। टाइम क्या है? टाइम। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अर्लियर लेटर। अर्लियर मतलब पहले, लेटर मतलब बाद में। मिनट, मम्मी बोलती है ना विद इन 5 मिनट, विद इन 2 मिनट्स, तो वो एक मिनट है, उसको भी हम बताएंगे इसमें। आवर, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, ठीक है। फिर डेज, मंथ्स और ईयर। क्या क्या पढ़ेंगे? डेज, मंथ्स और ईयर। ओके ओके। व्हेन देयर इज सनलाइट, जब सनलाइट होती है इट इज डे। हम लोग डे कहते हैं ना उसको, डे टाइम। व्हेन देयर इज डार्कनेस, जब रात डार्कनेस होती है तब नाइट होती है, अंधेरा होता है। अ डे इज डिवाइडेड इन टू, डे को किस किस पार्ट में डिवाइड करते हैं? मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट। मॉर्निंग होती है, अभी आपकी मॉर्निंग चल रही है। फिर दोपहर में जब 12 बज जाते हैं, ठीक 12 बजे के टाइम को नून कहते हैं। 12 बजे के टाइम को क्या कहते हैं हम लोग? नून कहते हैं। और आफ्टरनून, दोपहर के 12 बजे के बाद का जो भी टाइम होता है शाम को 4 बजे तक, वो आफ्टरनून होता है। इवनिंग शाम से होती है और नाइट एकदम सोने के समय का नाइट होती है। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद मॉर्निंग, इवनिंग, नून, आफ्टरनून एंड नाइट। वी गो टू स्कूल इन द, क्या होगा इसमें? मॉर्निंग होगा ना? क्यों आप लोग आंसर नहीं करते साथ साथ में? मॉर्निंग। हाँ, वी हैव लंच, लंच कब करते हम लोग? नून, दोपहर में 12 बजे। वी कम बैक टू स्कूल आफ्टरनून, दोपहर में ही हम लोग वापस आ जाते हैं, ठीक है। वी प्ले विथ आर फ्रेंड्स इन इवनिंग, इवनिंग टाइम हम लोग खेलते हैं ना। बट इन विंटर वी प्ले इन द डे टाइम बिकॉज इवनिंग टाइम पे कोल्ड वेव्स चल रही है, इस समय ठंडी हवा चल रही है, सो वी शुड प्ले इन डे टाइम, दोपहर में धूप में हमें खेलना चाहिए। वी गो टू बेड एट नाइट, हमको नाइट में बेड पे चले जाना चाहिए। आज सानिध इस पेज की भी स्पेलिंग सब लर्न करेंगे, ठीक है। अर्लियर एंड लेटर, अर्लियर मीन्स बिफोर, पहले, लेटर इज मीन्स आफ्टर। देखो, वी हैव अ लंच, लेटर हैव ब्रेकफास्ट, क्या करेंगे हम लोग? पहले करेंगे, अर्लियर। तो बेड टाइम एंड स्लीप, ये अर्लियर होता है, पहले हम लोग सोते हैं, फिर हम लोग मॉर्निंग में जब उठते हैं तब ब्रश करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? लेटर, एल ए टी आर, ठीक है। अब होमवर्क की स्टार्ट स्कूल, पहले क्या होगा? पहले होमवर्क होगा कि स्कूल स्टार्ट होगा? मैम स्कूल। हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे जल्दी बताओ सानिध्य। लेटर, अर्लियर, अर्ली करते हैं ना, जल्दी स्कूल जाते हैं, फिर लेटर, बाद में होमवर्क करेंगे ना, जब स्कूल जाएंगे मैम देगी तभी तो होमवर्क करेंगे, ठीक है। ये लेटर होगा, वो अर्लियर। अर्लियर मतलब जाने, हैव डिनर, मेक डिनर, किसमें अर्लियर होगा, किसमें लेटर होगा? मेक डिनर, रात का खाना बनाना, रात का खाना खाना, क्या पहले होगा? मेक डिनर, मेक डिनर अर्लियर होगा, पहले मम्मी बनाएगी तब तो खाने को देगी, जब मम्मी खाना दे देगी तब वी हैव डिनर, तो ये लेटर। अर्लियर मतलब पहले, लेटर मतलब बाद में। अच्छा, एक्सरसाइज 12A, द पिक्चर गिवन बिलो शो द एक्टिविटीज ऑफ द चाइल्ड बिफोर गोइंग टू स्कूल। हाँ, बिफोर गोइंग टू स्कूल की उसकी एक्टिविटीज है। सीक्वेंस द इवेंट्स इन करेक्ट ऑर्डर बाय राइटिंग 1, 2, 3, 4। स्कूल जाने से पहले वो सबसे पहले क्या करेगा, बताइए चारों में से, किस पे 1 लिखूं, किस पे 2 लिखूं?
जल्दी बताइए। जस्ट ब्रशिंग द टीथ में वन। नो 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 नो, ब्रशिंग द टीथ क्यों वन होगा? पहले तो वो सो के उठेगा ना। वन, मैम देन टू, देन यस फिर फेस वॉश करेगा, बात करेगा, थ्री, देन गो टू स्कूल, फोर। ठीक है। फोर हाँ, द पिक्चर गिवेन बिलो शोन द वेरियस स्टेप्स टू रिक्वायर्ड इन द मेकिंग ऑफ अ सैंडविच। राइट द नंबर 1, 2, 3, यूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेप्स। क्या करेंगे सबसे पहले? किस पे वन लिखेंगे? नहीं, नाम थर्ड वाले सबसे पहले वन वाले पे करेंगे। सबसे पहले आपने ब्रेड और जैम को टेबल पे रखा, फिर पे नंबर टू आपने ब्रेड अलग की ना, यस और नंबर थ्री अब आपने जैम निकाला वो कंटेनर से और उसको ब्रेड पे स्प्रेड करेंगे। तो 1, 2, 3 स्टेप्स। थोड़ा सा बेटा स्मार्टली वर्क किया करिए, ठीक है? इन द ईच, थोड़ा सोचा करो, बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेस रहती हैं। इन द ईच रो टिक द एक्टिविटी दैट टेक्स लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। आपको बताइए किसमें टाइम ज्यादा लगेगा? टू रोल अ डाइस, टू प्ले बोर्ड गेम, किसमें ज्यादा टाइम लगेगा? लीडो हाँ, गेम खेलने में। ओके, ड्यूरेशन ऑफ द सनलाइट इन अ डे, विंटर ब्रेक। इसमें विंटर होगा, क्यों? क्योंकि सनलाइट, ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट इन आ डे, वो वन डे बोल रहा है। विंटर ब्रेक, ढेर सारी छुट्टियां होती है ना, तो डे। टू काउंट अप 100 टू ओपन एन अम्ब्रेला। मैम हाँ, टू मैम नहीं, टू टू ओपन एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला खट से खुल जाएगा। आप 5 तक गिनोगे तब खुल जाएगा। वन ऐसे बटन क्लिक करोगे, 1, 2, 3 पे ही खुल जाएगा। और लेकिन 100 तक काउंट करने में आपको टाइम लगेगा ना। टू क्रैक एन ओपन एन एग, वॉकिंग अप स्टेयर टू रीच 8th फ्लोर। आपको 8th फ्लोर जाने में टाइम लगेगा कि एक एग को ब्रस्ट करने में टाइम लगेगा, क्रैक करने में? हाँ, वॉकिंग में टाइम लगेगा। हाँ स्टेयर से ऊपर जाने में टाइम लगेगा। एक तो तुरंत हैच हो जाएगा ना। यस मैम चलिए, अब रीडिंग अ क्लॉक टाइम बाद में पढ़ेंगे। आप लोग का आज का होमवर्क है मॉर्निंग, इवनिंग, नून, आफ्टरनून की स्पेलिंग लर्न करेंगे, और शेप्स की स्पेलिंग, स्पेशली यू सानिध्य, सर्किल, और सबकी स्पेलिंग आप लर्न करेंगे। ओके ओके चिल्ड्रेन।